मध्य प्रदेश के देवास जिले के बांस से बना हुआ फर्नीचर खाड़ी देशों के साथ यूरोपीय देशों में धूम मचा रहा है। देश के गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में बांस से बनाए छोटे छोटे घरों की मांग इतनी अधिक है कि पूर्ति करने में कठिनाई आ रही है। इंदौर भोपाल हाईवे पर आर्टिशन एग्रोटेक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे फर्नीचर की डिमांड मध्य एशिया व यूरोपीय देशों में होने लगी है। कुछ उद्योगपतियों ने तो बांस से रो हाउस के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। देवास में भी कंपनी अपने परिसर में बांस से मॉडल के तौर पर घर बना रही है। इसके बारे में कंपनी के सीनियर मैनेजर दीपक खरे बताते हैं कि बांस से निर्मित फर्नीचर व मकान में दीमक नुकसान नहीं पहुंचाती। बारिश व नमी में बांस फूलता नहीं है, सालों साल या कहे तो 100 साल तक उपयोग कर सकते हैं। कंपनी अपने अनुबंधित किसानों से कटंगा बांस की खरीदी करती है। जिले में 6500 हेक्टेयर क्षेत्र में कटंगा बांस का उत्पादन किया जा रहा है। बांस से रो हाउस, हट्स, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, स्टोरेज यूनिट, अलमारी, खिड़की दरवाजे सहित सैकड़ों प्रकार के फर्नीचर यहां तैयार किए जा रहे हैं। सागवान की लकड़ी से निर्मित फर्नीचर की तुलना में इनकी कीमत कम है और टिकाऊपन भी बेमिसाल है। देवास जिले में कटंगा, मध्य प्रदेश के कटंगा बांसों से फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, हाउस तैयार किए जा रहे हैं और इसका निर्यात जो है विदेशों में भी किया जा रहा है, जिसकी निरंतर डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे देवास के जो किसान भाई और जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। किसान भाई जो है वो बांस उगाकर उसका फायदा ले रहे हैं, बांस बेचकर कंपनी जो है वो फर्नीचर बनाकर निर्यात कर रही है और किसान भाई फसल के तौर पर बांस को अपना रहे हैं। इससे पर्यावरण का भी जो है वो पर्यावरण में भी सुधार हो रहा है और लकड़ी के बदले में हम बांस से बने फर्नीचर मार्केट में लेके आए हैं। ये टिम्बर का सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, हाउसिंग में जा रहे हैं तो इसमें हम स्टील को भी रिप्लेस कर रहे हैं बांस के साथ में। तो ये जो है कि नया काम अपने देवास जिले में ही शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली ये देवास के लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें जिला प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है और आप लोग भी आके फायदा ले सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। अभी ये बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है, धीरे धीरे हम इसको रिटेल में भी लेके आ जाएंगे। धन्यवाद। नाम और दीपक खरे, आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पे प्लांटेशन, नर्सरी और लॉजिस्टिक का काम देख रहा हूँ।